आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमरीन फिरदौस ने राष्ट्रीय जूडो प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाते हुए किया संस्कार धानी जबलपुर का नाम रोशन। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जूडो संघ जबलपुर के सचिव आबिद हुसैन ने बताया कि भारतीय जूडो महासंघ के तत्वाधान में चंडीगढ़ पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर एवं क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप में जबलपुर संस्कार धानी की अमरीन फिरदौस ने अपने प्रतिनिधियों को करारी मात देते हुए कांस्य पदक प्राप्त कर प्रदेश एवं जबलपुर संस्कार धानी को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय जूडो स्पर्धा के पदक विजेता खिलाड़ी अमरीन फिरदौस एवं सारा अंजुम के नगर आगमन पर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन लखन घनघोरिया ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को पुष्पगुच्छ भेंट के साथ मुख मिष्ठान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पप्पू वसीम अंसारी, अशरफ मंसूरी, रत्नेश सोनकर के साथ भारी मात्रा में जूडो खिलाड़ी उपस्थित थे। एमबीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। कांस्य पदक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जी सर, शहर की बिटिया अमरीन फिरदौस ने जो शहर का नाम रोशन किया है, हिंदू में देश में स्थान बनाना कम बात नहीं कहलाती। इतने बड़े देश में हमारे क्षेत्र की बिटिया ने नाम कमाया है, निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र भी गौरवान्वित हुआ है। शहर तो हुआ ही है और विशेष करके बच्चियों का स्पोर्ट्स में जूडो कराटे में आगे बढ़ना एक शुभ संकेत भी है। समय के हिसाब से तमाम चीज़ों को देखते हैं, कम से कम बच्चियों में ये जागरूकता और आना चाहिए कि बच्चियां भी किसी से कम नहीं है। खुद की आत्मरक्षा के साथ साथ खेल कूद की प्रतिभाओं का भी अच्छे से सृजन हो सकता है और उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। ये प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए शहर वालों को, और शहर को हर्षित गर्वित और गौरवान्वित किया है अमरीन ने, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। किस खेल में? अच्छा, कितने दिन का टूर्नामेंट था वो? कितने लोगों को आपने हराया, किस राज्य को हरा के आपने मेडल अर्जित किया? कैसा लग रहा आपको यहाँ जबलपुर आगमन में आपका स्वागत हुआ? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, आपके कोच का नाम बताएंगे? आगे क्या करोगे और इस खेल में? आगे बढ़ेंगे, नाम ठीक है। खेल अर्जित किए आपके मार्गदर्शन में, किस स्तर में ये प्रतियोगिता था? ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जूडो की, सब जूनियर एवं क्रेडिट। इसमें 15 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया। ये बच्चे सारा जो अमरीन फिरदौस ने ग्वालियर में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, उसके आधार पर इनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु हुआ है, जिसमें अमरीन बाबू ने अपनी वेट कैटेगरी में जिसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों के बीच में ब्रॉन्ज पदक जीतकर हमारे शहर को, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हम उसे बधाई देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं बेटे अगली बार इतना अच्छा करो कि इसका कलर चेंज हो और ये गोल्ड में तब्दील हो, आप इंटरनेशनल हैं।